और अलीगढ़ की रहने वाली ट्रिपल तलाक पीड़िता रिहाना ने पीएम मोदी और यूपी के सीएम योगी से गुहार लगाई है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। बेटी के दर्द से परेशान पिता ने भी आत्महत्या की बात कही है। ट्रिपल तलाक की मार झेल रही रिहाना 4 साल की बच्ची को लेकर दर बदर भटकने को मजबूर है। रिहाना ने कहा कि वो इसके लिए पीएम मोदी और सीएम से जाकर मिलेंगी और मेरी तरह लाखों मुस्लिम महिलाओं को वो न्याय दिलाएंगी। दरअसल अलीगढ़ के सिविल लाइन इलाके के जमालपुर में रिहाना का निकाह 5 साल पहले हुआ था। 1 साल पहले वो जब अपने मायके आई और फिर ससुराल लौटी तो उन्हें पता चला कि उसके पति ने ट्रिपल तलाक दे दिया है। तभी से वो दर बदर भटक रही है। मैंने तलाक दे दिया लेकिन मैं इस तलाक को नहीं मानती। नहीं तो मेरे पास कोर्ट के जरिए कोई चीज, नहीं मेरे पास फोन के जरिए कोई चीज और नहीं मेरे सामने से कोई चीज, इसलिए मैं इस तलाक को नहीं मानती। लेकिन उनका मानना है कि मैंने तलाक दे दिया। मैं अपने मुस्लिम समाज भाइयों के पास गई, वहां से मुझे मदद नहीं मिली। उसके बाद मैं इन हिंदू समाज भाइयों के पास आई, यहां से मुझे मदद मिली। माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय आदित्यनाथ जी, मैं उनसे प्रार्थना करती हूँ कि मुझे मेरा अधिकार चाहिए और नहीं मिलता है तो अपने हक के लिए और अपनी बेटी के हक के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। वहाँ उनके दरवाजे पर जाकर आत्मदाह भी कर सकती हूँ।